गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10वीं क्लास के मैथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, वह है थेल्स प्रमेय। इस प्रमेय को दो तरीका से पूछा जा सकता है। पहला तरीका, थेल्स प्रमेय लिखकर उसे सिद्ध करें, या किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर DE खींचा गया है। इस BC के समानांतर जो है DE खींचा गया है, BC समानांतर DE खींचा गया है, जिसमें AB और AC को D और E बिंदु पर काटती है। AB और AC को AB को जो है D बिंदु पर काटती है और AC को E बिंदु पर काटती है। तो सिद्ध करना है AD बटा या भुजा बटा DB और AE बटा EC, AE बटा EC। अब रचना देखिए, EN लंब डाला गया है AD, EN लंब AD, EN जो है लंब डाला गया है AD पर, या AB भी कह सकते हैं, तथा DM लंब डाला गया है AE पर या AC पर, जिसमें BE और DC को मिला दिया, B को E से मिला दिया, D को C से मिला दिया। अब देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा BDE का क्षेत्रफल हो जाएगा तो 1/2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार हो जाएगा AD और लंबवत ऊंचाई EN हो जाएगा, लंबवत ऊंचाई EN हो जाएगा। जिस तरह इसमें हम बता रहे हैं कि ABC एक त्रिभुज है और इसमें लंबवत ऊंचाई जो है यही हो गया, AD हो गया, AD लंबवत ऊंचाई हो गया, इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार BC हो जाएगा गुना लंबवत ऊंचाई हो जाएगा यह AD। तो उसी तरह जो है यहाँ पर लंबवत ऊंचाई EN हो जाएगा, तो 1/2 गुना आधार AD गुना EN लंबवत ऊंचाई हो गया बटा त्रिभुज BDE के लिए आधार BD हो जाएगा और लंबवत ऊंचाई EN हो जाएगा, लंबवत ऊंचाई EN हो जाएगा। EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, अब AD बटा DB बच गया, यह समीकरण 1 मान लेंगे। अब फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब हम त्रिभुज ADE लेंगे और त्रिभुज DEC लेंगे, तो आधार जो अब हम यह लेंगे AC लेंगे आधार, और लंबवत ऊंचाई DM हो जाएगा, तो 1/2 गुना आधार AE हो गया और लंबवत ऊंचाई DM हो गया। फिर त्रिभुज DEC के लिए आधार EC हो जाएगा, क्योंकि आधार दोनों का एक ही लाइन पर हो रहा है, और लंबवत ऊंचाई DM हो जाएगा, लंबवत ऊंचाई DM हो जाएगा, DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। अब AE बटा EC यह समीकरण 2 लेंगे। अब इसमें एक लाइन भाषा लिखना होगा, एक ही आधार से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, दोनों जो है इसका आधार इस त्रिभुज का आधार एक त्रिभुज का आधार एक ही है, इस त्रिभुज का आधार इसका आधार एक ही है, तो वहीं लिखे हैं एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज DEC त्रिभुज बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से हमें यही सिद्ध करना था, AD बटा DB और AE बटा EC। अब यह थेल्स प्रमेय जो है प्रूव्ड हो गया। यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी जो है आपके एग्ज़ाम के पीरियड तक, 10वां क्लास के एग्ज़ाम के पीरियड तक हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही YouTube पर डालेंगे, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।